एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज मैं आपके साथ पर्पल विंटर स्किन केयर हॉल शेयर करने वाली हूँ। गाइज, ये मेरा फर्स्ट हॉल होने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। एंड जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सो गाइज, ये है कुछ प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किए थे, तो हम वन बाई वन करके देखते हैं कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सो गाइज, जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है वो है ये गुड वाइब्स का पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश। इट्स लुक लाइक दिस, और इसे मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, थोड़ा दो चार दिन से यूज़ कर रही हूँ। एंड ये जो भी क्लेम करता है लाइक कि आपकी फेस से ये डेड स्किन रिमूव करता है, अगर फेस पे कोई स्पॉट है उसे हटाता है, देन ये पूरा पूरा राइट है, सही है, क्योंकि ये पूरा इसी तरीके से वर्क करता है। एंड ऑल्सो अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी वेरियंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये मैंने पपाया कर लिया है, आपको इसमें एप्पल, चेरी एंड जितनी भी वैरायटीज अवेलेबल हैं उसमें आप देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग की बात करूँ, ये कुछ पंप फॉर्म में है, इट्स रियली गुड, क्योंकि हम जो ट्यूब वाला फेस वॉश यूज़ करते हैं उसे खोलो देन यूज़ करो, बट ये काफ़ी यूज़ करने में काफ़ी ईजी रहता है, सो आई जस्ट लव इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज ऑल्सो फ्रॉम गुड वाइब्स, इट्स अ रोज ग्लो टोनर। एंड इसकी स्मेल है ये टोनर, बट इसका स्मेल जो है एग्जैक्टली रोज वाटर की तरह स्मेल करता है। एंड ये क्लेम करता है कि आपके पॉट्स हैं स्किन पे उसे हटाता है। इसे मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, सो यूज़ करने के बाद मैं इसका रिव्यू बताऊंगी आपको। इट्स लुक लाइक दिस, सो नेक्स्ट प्रोडक्ट वी हैव इज दिस मल्टी विटामिन फेस क्रीम, ये भी गुड वाइब्स का है। एंड गाइस, की स्मेल सीरियसली स्मेल सो गुड, और इसमें जो इसका जो टेक्सचर है काफ़ी स्मूदिंग है। आई मीन इसको आप लगाते हैं, इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा, स्किन पे ये बिल्कुल पता नहीं चलती है। एज यू कैन सी, मैं अप्लाई कर रही हूँ बट लग नहीं रहा कि हाँ कुछ अप्लाई कर रही हूँ। एंड इसकी स्मेल काफ़ी फ्रेश टाइप की है, और एकदम वो मैं बता नहीं पा रही, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बट इट्स रियली गुड। इसको आप एज ए नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं, उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। सो गाइज, नेक्स्ट वी हैव इज दिस गुड वाइब्स चारकोल पाउडर। मार्केट में काफी चारकोल मास्क अवेलेबल हैं, बट मुझे चारकोल पाउडर ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये पेनलेस होता है, सबसे मेन पॉइंट ये है मेरे लिए। एंड इसका मास्क आप बना के यूज़ कर सकते हैं, एंड उसमें आपको जो भी कुछ अगर मिक्स करना हो एक्स्ट्रा देन आप यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे मास्क के लिए पाउडर ज़्यादा अच्छा लगता है, मास्क आई डोंट प्रेफर दैट। और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गाइस, इसका मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। सो व्हाट वी हैव द नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी हैव इज दिस मामा अर्थ उपटन मॉइस्चराइजिंग कोल्ड क्रीम विथ टर्मरिक एंड सेफ्रॉन। इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज करने जा रही हूँ, आई मीन ऑलरेडी यूज करना शुरू कर दिया मैंने। इसका रिव्यू काफी सुना था कि काफी अच्छी क्रीम है, आपको यूज करना चाहिए विंटर्स में स्पेशली, सो मैंने इसको ऑलरेडी यूज करना शुरू भी कर दिया। इसका दिख नहीं रहा सही से, हाँ, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर स्किन। अगर आप इसको जैसे फेस वॉश करने के बाद लगा लेते हैं तो कुछ और अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। वैसे भी डेली लाइफ में इतना हम कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर ठंडियों की वजह से, सो इट्स रियली गुड, यू कैन ट्राई दिस फॉर विंटर्स इफ यू लुकिंग फॉर अ गुड क्रीम फॉर विंटर्स, सो यू कैन ट्राई दिस। सो अगला प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये है गुड वाइब्स का पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल। ये स्पेशली मैंने अपने हेयर्स के लिए मंगाया है। ये जो ऑयल है इसे आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है देन आप बिल्कुल ही मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा जलन करता है। सो आप अपने बालों के लिए ही रखिए इसे, तो ठीक है। इसका इसे यूज़ करने का तरीका ये है कि आपके पास अगर कोई गुड वाइब्स का ऑयल है देन उसके साथ इसकी दो से तीन ड्रॉप्स मिक्स करके ऐड करके आप लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो है कुछ पाउडर्स, ये है अल्प्स गुडनेस के। सो देखते हैं हमारे पास पहला पाउडर क्या है, पहला पाउडर हमारे पास है पोमोग्रेनेट पाउडर। ये
स्पेशली आपके हेयर्स एंड स्किन के लिए है, जैसे आपको हेयर्स के लिए कोई मास्क यूज़ करना है या स्किन के लिए, देन उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, अगर आप जैसे ले रहे हैं इसे तो आपको इसको स्टोर करने के लिए किसी कंटेनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सील क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये कुछ इस तरह का जो ये इसे प्रेस करने पर बंद हो जाता है, वो कुछ ऐसी पैकेजिंग है इसकी, एंड क्वांटिटी कुछ इतनी है इसकी। इसे ओपन नहीं किया मैंने इसे, तो ओपन करने के बाद इसका रिव्यू अच्छे से बताऊंगी कैसा था। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारे पास है वो है ऑरेंज पील पाउडर। इसको तो मैंने पहले ही निकाल लिया है, इसकी भी क्वांटिटी कुछ इतनी ही है जितनी पोमोग्रेन पाउडर की थी, एंड पैकेजिंग इज ऑल्सो सेम लाइक दैट, वो प्रेस करने वाला। एंड ये आपके ये भी आपके हेयर्स एंड स्किन के लिए है, अगर आपको स्किन पे कोई निशान का प्रॉब्लम है देन आप इसका मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके डल एंड डैमेज हेयर्स को ट्रीट करता है, एंड अगर आपको जैसे विटामिन सी का कोई प्रोडक्ट यूज़ करना हो, जैसे जिसमें विटामिन सी हो, क्योंकि वो आपको पता ही होगा विटामिन सी हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, सो इसमें वो सभी चीज़ें हैं। एंड जो दोनों ही प्रोडक्ट्स हैं, जो दोनों ही पाउडर्स हैं, आई मीन ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एंड दोनों ही नेचुरल एंड ऑर्गेनिक हैं। सो या नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास है ये है अल्प्स गुडनेस का टी ट्री एसेंशियल ऑयल। सो ये आपकी स्किन को एज अ स्किन क्लेंसर काम करता है, प्योरीफाई करता है, हेल्प टू रिमूव डैंड्रफ एंड ऑल्सो फॉर हेयर स्ट्रेटनर। जैसे कि मेरे बाल कर्ली हैं, सो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, और इसे मैंने बस एक बार यूज़ किया है, सो अभी मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, जब ज़्यादा टाइम थोड़ा टाइम हो जाएगा देन उसके बाद इसका रिव्यू शेयर कर सकते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस फॉर योर स्किन एंड हेयर्स टू। प्रोडक्ट्स वी हैव इज दिस शीट मास्क, यू कैन सी दिस, आई हैव थ्री। सो वन बाई वन देखते हैं कौन कौन से हैं ये। सो पहला जो शीट मास्क है हमारे पास वो है गुड वाइब्स का शीट ग्लो मास्क विद विटामिन सी। विटामिन सी सॉरी गुड वाइब्स का जो विटामिन सी के प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने काफ़ी यूज़ कर रखे हैं, जैसे कि क्रीम हो गया, फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया एंड स्क्रब हो गया, मैंने सारे ही यूज़ कर रखे हैं, बट इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, देन यूज़ करने के बाद आपको रिव्यू बता सकती हूँ उसका कि कैसा था ये। जैसे कि अगर आपको ये मास्क स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको जैसे थोड़ा बहुत स्पॉटिंग का प्रॉब्लम है फेस पे, थोड़ा बहुत ब्लैक कलर का स्पॉट, जैसे कभी पिंपल आ जाता है हमें तो स्पॉट रह जाता है, देन उसके लिए काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन यूज़ दिस। और जो शीट मास्क है उसे यूज़ करने का जो तरीका है, इसे यूजली आपको ओपन करना है, देन फेस वॉश कर लीजिए पहले, अप्लाई करने के बाद 10 मिनट छोड़ दीजिए, 15 मिनट छोड़ दीजिए, देन उसके बाद हटाइए, और इसके बाद आप जो भी एक्सेस ऑयल होता है उसमें उसको आप अपनी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं, लगा कर जैसे हैंड्स में हो गया या फिर अपने पैरों पर। सो नेक्स्ट वी हैव इज दिस गुड वाइब्स पर्ल शीट मास्क। इसको मैंने इससे पहले यूज़ किया है, एक बार यूज़ किया है, एंड इट्स रियली गुड। ये आपकी स्किन को जैसे कि इंस्टेंट शाइन नहीं होता कुछ यूज़ कर लो, जैसे कोई चीज़ अगर आपको इंस्टेंट ग्लो के लिए यूज़ करनी हो देन ये उसके लिए काफ़ी अच्छा है। सो नेक्स्ट शीट मास्क वी हैव इज़ दिस पर्पल की क्लेम एंड एक्सफोलिएट चारकोल शीट मास्क विद एप्रिकॉट। इसे भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, सो आई विल शेयर द रिव्यू। सो गाइज, हमारा जितना भी प्रोडक्ट था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, मैंने सबका बता दिया जितना भी नॉलेज था अपने अकॉर्डिंग। एंड या एक और बात है, जैसे कि जो लोग पर्पल से शॉपिंग करते होंगे या पहली बार कभी भी की होगी, तो आपको पता होगा कि पर्पल आपको हर ऑर्डर पे एक गिफ्ट देता है, सो हमें भी एक गिफ्ट रिसीव हुआ, सो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो या डन, दिस इज़ द गिफ्ट। तो ये है गुड वाइब्स का स्लीपिंग मास्क विद विटामिन सी। एक्चुअली जो वो गिफ्ट देते हैं ना, वो एज अ ट्रायल पैक होता है, कि अगर आपको जैसे ट्रायल पैक भी होता है एंड आपको एज अ गिफ्ट भी मिल जाता है, अगर आप इसको एक बार ट्राई करें वापस अगर लेना चाहें तो। सो ये दिस इज फॉर ट्रायल पैक, आई विल शेयर द रिव्यू आफ्टर यूजिंग दिस। सो गाइज, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स थे अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दिया इनके बारे में, जो भी मुझे पता था। सो अगर आप अपनी स्किन केयर के लिए प्रोडक्ट्स
सर्च कर रहे हैं, आपको चाहिए सो आप पर्पल पे जाके काफ़ी अच्छे तरीके के प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। उस पर काफ़ी वैरायटी अवेलेबल होती है, काफ़ी वेरिएंट होते हैं। सो अगर आपका कोई भी स्किन टाइप हो, आपको काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स वहाँ मिल जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड ऑल्सो जो भी हमारे चैनल पर नए आ रहे गाइज, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को एंड थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमें, ताकि हम और से अच्छे वीडियो ला सकें आपके लिए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।